अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाज़िर है नए लेक्चर के साथ। आज हमने टेंथ के केमिस्ट्री का एक नया लॉ पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने एसिड बेस का जो लॉ पढ़ा था वो आर्हेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट था। आज हमने ब्रोंस्टेड लॉरी का एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ना है। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट। लास्ट टाइम हमने आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट में भी हमने ये देखा था कि एसिड वो तमाम अशिया होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव देती हैं, और बेसिस वो तमाम सब्सटेंसेस होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में ओएच नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन देती। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन की उस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। और इसके अलावा वो एसिड्स और वो बेसिस जिनमें एच पॉजिटिव या हाइड्रोक्सिल आयन्स नहीं हैं उनके बारे में हम फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो एसिड हैं या बेसिस हैं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक ब्रोंस्टेड था और एक लॉरी। अच्छा, 1923 में इन दोनों साइंटिस्ट ने सेपरेटली काम किया था। ब्रोंस्टेड जो था ये एक डेनिश केमिस्ट था, ठीक है, और लॉरी जो था वो एक ठीक है और जो लॉरी साइंटिस्ट था वो इंग्लिश केमिस्ट था। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना ये कंसेप्ट दिया था जो कि बाद में कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा जाता है। अच्छा, इन दोनों के मुताबिक एसिड क्या है, ठीक है, इन दोनों के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन। ठीक है, एच पॉजिटिव प्रोटॉन क्या होता है, एच पॉजिटिव। अच्छा, अब इसने इन दोनों ने एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ जस्ट ये कहा है एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट कर सकता है प्रोटॉन, तो वो एक्वस में भी हो सकता है और नॉन एक्वस में भी हो सकता है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर यहाँ पर बेस के तौर पे काम करेगा। वाटर यहाँ पर क्या करेगा, बेस के तौर पर काम करेगा। तो ये एसिड है तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है, H3O पॉजिटिव और साथ में क्या आएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसके मुताबिक इन दोनों के मुताबिक देख लेते हैं बेस क्या है। इन दोनों के मुताबिक बेस वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाली एग्जांपल में देखें वाटर इस एसिड से एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वाटर बेस होगा यहाँ पर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं वाटर की अमोनिया के साथ देख लेते हैं। अब यहाँ पर अमोनिया जो है ये बेस है, ये बेस के तौर पे बिहेव कर रही है, क्यों, क्योंकि ये वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और वाटर इसको प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर वाटर यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वाटर यहाँ पर किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास बनेगा NH4 पॉजिटिव और साथ में
OH नेगेटिव। अब ये बात आपने याद रखनी है, जितने प्रोटॉन डोनेट हो जाएंगे उतने नेगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है, और जितने प्रोटॉन गेन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। अब अमोनिया ने यहाँ बेस के तौर पे काम कर रही है, इसने इसमें से एक प्रोटॉन गेन किया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगी, ठीक है, और क्योंकि इसने एच पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा जो बच जाएगा। अब इसमें से एच पॉजिटिव गया, एक एच चला गया तो पीछे क्या बचा, ओ एच नेगेटिव बच गया। अच्छा जी, अब आप कहेंगे आपने दोनों इक्वेशंस को गौर किया होगा, ऊपर वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, नीचे वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो कंपाउंड्स जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्या होते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड विच एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगी, वाटर की एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है, एल्यूमिनियम AlCl3 की एग्जांपल आ जाएगी। चल आगे देखें, अब एक और चीज़ हमने पढ़नी है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में, कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड क्या है, जब कोई बेस, जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, जब कोई बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, जब कोई बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनता है वो आपके पास कॉन्जुगेट एसिड होता है। वो क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इस एग्जांपल में यहाँ देखें, ये बेस है, इसने यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट बना, ये क्या है इसका, कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब ये कैसे बनेगी, जब कोई एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनेगा, जब इसने डोनेट कर देना है तो यहां Cl बचा, तो ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बना है इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इसमें देखें, ये एसिड है, एसिड ने अपना प्रोटॉन इसे डोनेट किया तो ये रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन गया और ये क्या है इसका, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। तो एसिड से जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बेस है और बेस का जो कॉन्जुगेट है वो एसिड है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस कंसेप्ट की भी क्या है कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर हम देखें इसमें हमें एक ही लिमिटेशन नज़र आ रही है कि इसने भी, इसने सिर्फ एक चीज़ को ख़त्म किया। आर्हेनियस में हमारे पास दो ड्रॉबैक्स थे, एक था कि एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा था वो, और दूसरा कि एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव की बात कर रहा था, कि एसिड वही होगा जो एच पॉजिटिव दे और बेस वही होगी जो OH नेगेटिव दे। तो इसने सिर्फ एक चीज़ को ख़त्म किया था कि इसने जो कंसेप्ट दिया, इन दोनों ने जो कंसेप्ट दिया वो नॉन एक्वस पे भी अप्लाई होता था, ठीक है। लेकिन अब इसने कहा है कि एसिड वो है
एसिड क्या है जो कि डोनेट करे प्रोटॉन, जो कि क्या करे डोनेट करे एच पॉजिटिव, और बेस क्या है जो कि एक्सेप्ट करता है एच पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की या सल्फर डाइऑक्साइड की, अब ये दोनों एसिडिक गैसेस हैं, इन दोनों में एच पॉजिटिव नहीं है तो ये डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एच पॉजिटिव डोनेट नहीं कर सकते। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये एक बेस है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इस कंसेप्ट की ये लिमिटेशन है। इसको मज़ीद मॉडिफाई फिर आगे एक और साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम लेविस था। इंशाल्लाह कल हम उस लेविस का कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। अगर यहाँ तक आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।